अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर काशी की कास्ट कला का नायाब नमूना देखने को मिलेगा। रामचरितमानस के 22 प्रसंगों पर आधारित लकड़ी से बनी आकर्षक मूर्तियां, झांकियां और मुखौटे अयोध्या के कला संग्रहालय में प्रदर्शित किए जाएंगे। इन्हें करीब 50 कारीगरों ने एक साल में तैयार किया है। यह पहला मौका है जब काशी में लकड़ी के खिलौने बनाने वाले कारीगरों ने भगवान राम से जुड़ी मूर्तियां और झांकियां तैयार की हैं। दिसंबर महीने के अंत सभी झांकियों को अयोध्या भेज दिया जाएगा। काशी की कास्ट कला पूरी दुनिया में मशहूर है, इसे GI का तमगा मिल चुका है। अयोध्या के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए मानस प्रसंगों पर मूर्तियां और मुखौटे बनाने का ऑर्डर मिलने पर कास्ट खिलौना कारीगर बिहारी लाल अग्रवाल व उनकी बेटी सुभि अग्रवाल ने राम दरबार से लेकर वन गमन, सीता हरण, सीता स्वयंवर, रामेश्वर पूजा, राम सेतु, लक्ष्मण शक्ति, लंकेश परिवार, अशोक वाटिका, पुष्पक विमान में सवार प्रभु, कुंभकर्ण आदि की मूर्तियां व मुखौटों की डिजाइन की है। इसके बाद अपने बदायनी स्थित कारखाने में 50 कारीगरों के साथ इन्हें तैयार करने का काम शुरू किया, जो एक साल में अब पूरा हो चला है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले काशी से भेजने वाले राम दरबार को संग्रहालय में विराजमान कराया जाएगा। रामलला के आगमन में सबसे पहले लंकेश का परिवार दिखेगा। रावण से छोटी कास्ट मूर्तियों को बनाने वाले बिहारी लाल ने बताया कि भगवान राम की मूर्ति रावण की मूर्ति से छोटी है। राम की मूर्ति 18x8 इंच की है, जबकि रावण की मूर्ति 36x24 इंच की है। लंकेश परिवार में 6 माह सोने वाले कुंभकर्ण की 2.5 फीट की लकड़ी की मूर्ति को बिस्तर पर लेटे और खाद्य सामग्रियों और शोर के बीच दर्शाया गया है। इसी तरह 56 प्रकार के मुखौटे तैयार किए गए हैं। मूर्तियों और मुखौटे बनाने में भाव की प्रधानता होती है, इसे ध्यान में रखते हुए निर्माण किया गया है। राम का चरित्र सौम्य है तो उनकी मूर्ति में उनके भाव प्रदर्शित होते हैं। रावण और मेघनाथ के मुखौटे उग्रता के भाव को समेटे हुए हैं। मूर्तियों और मुखौटे तैयार करने के लिए गुल्लर की लकड़ी इस्तेमाल में लाई गई है। फटने और टेढ़े होने से बचाने के लिए गुल्लर की लकड़ी को सूखा कर आवश्यकता के अनुसार काट कर आकार दिया गया है। बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर परिसर में मंगलवार को भगवान शंकर के मंदिर के पास ही राम भक्त गिद्धराज जटायु की प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर, UP। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नई।